देश भर में मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के त्योहार से पहले जनपद औरैया में राखियों की दुकानें सूनी दिखाई दी। बाजारों में रौनक देखने को नहीं मिली। कोरोना काल के बाद हर बाजार में मंदी दिखाई दे रही है। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार की मंदी की मार झेल रहा औरैया का राखी बाजार। बताते चलें कि कोरोना काल की मंदी के बाद से ये पहला त्यौहार है जिसे पूरे देश में बढ़ चढ़ कर मनाने के लिए लोगों ने तैयारियां शुरू की। रक्षाबंधन के एक दिन पहले राखी बाजार व दुकानें सूनी पड़ी दिखाई दे रही हैं। इस संबंध में औरैया के लेडीज मार्केट में एक राखी व्यापारी से जब बात की गई तो उसने बताया कि साल कोरोना काल के चलते बाजार बिल्कुल शांत चल रहा है। राखी की दुकानों में लगाई हुई लागत भी नहीं निकल रही। इस संबंध में एक चूड़ी वाले से बात की गई तो उसने अपना दर्द सुनाते हुए बताया, इस बार लागत भी नहीं निकल पा रही, भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रक्षाबंधन तक हमारी दुकान चल भी पाएगी या नहीं, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। संदीप बैंगल, संदीप जी, आपने रक्षाबंधन के चलते माल भरा है, क्या कुछ बिक्री कम है या ज्यादा है? बहुत बिक्री डाउन है भाई, कोरोना चलते देख रहे हो, मार्केट में भी सन्नाटा पसरा पड़ा। क्या कारण मानते हैं? ये कोरोना का ही कारण मानते हैं। आगे तो बाढ़ भी आई है तो वहाँ भी फसल असल सब तहस नहस है, किसान भी मर रहा है, तो आदमी कहाँ से आएगा। सुनील कुमार सर, सुनील जी, जिस हिसाब से परसों रक्षाबंधन है, आपने माल भरा हुआ है, क्या बिक्री हो रही है? नो सर। क्या कारण मानते हैं? कोरोना चलते धंधा भी खास नहीं है, लॉकडाउन की वजह से कोई धंधा नहीं हो रहा है, सब ऐसे ही फ्लॉप जा रहा है काम, परिस्थिति बहुत गड़बड़ है इसमें।